यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने निषाद पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश कमेटी की आज बैठक ली। सहकारिता भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को मत्स्य विभाग की योजनाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को भी इसको लेकर धन्यवाद दिया। कहा कि सरकार ने मत्स्य विभाग की योजनाओं में महिलाओं को 60% की सब्सिडी दी है, इससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। महिलाएं अबला कही जाती है, जब जन्म लेती है उसे लक्ष्मी नाम दिया जाता है, लेकिन जब वो समय आता है इनको हिस्सेदारी की बात आती है और जिनके प्रति व्यवहार और उनकी समानता की बात आती है, इन्हें अबला कहकर पुकारा जाता है देश में। अभी माननीय प्रधानमंत्री को मैं धन्यवाद दूंगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि इन महिलाओं के तरफ भी ध्यान दिया और इन्होंने हमारे विभाग से मत्स्य मंत्रालय में 60% सब्सिडी महिलाओं के नाम से दे रखा है। इन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की एक स्थापना की 25 करोड़, तो इनको यही समझाना था कि अपने बच्चों की भविष्य के लिए हमारे यहाँ जो मछुआ कल्याण कोष है उसका उपयोग करो और उनके बच्चों में शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए प्रयोग करो।